जब भी कोई इतना बड़ा आयोजन होता है किसी पार्टी का तो प्रस्ताव पास किए जाते हैं, और यहां पर जो प्रस्ताव पास किया कांग्रेस पार्टी ने उनमें से एक अहम प्रस्ताव यह है कि चुनाव आने वाले वक्त में ईवीएम से नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं और चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। कांग्रेस ने अपने इस महाधिवेशन में चुनावी जीत की राह को लेकर कई बातें की है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात अहम है। महाधिवेशन में पास राजनीतिक प्रस्ताव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को मतपत्र के पुराने तरीके को फिर से लागू करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश प्रमुख लोकतंत्रों ने ऐसा ही किया है। बूथ कैप्चरिंग की वारदातें होती थी, तो उन सबों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बैलेट पेपर की ओर लौटने की बात कर रही है। कैसे इंश्योर करेंगे कि अब कैप्चरिंग जैसी जो कमियां हैं वो नहीं आएंगी? बूथ कैप्चरिंग और वोट रिकॉर्डिंग दो अलग अलग इश्यूज हैं। अगर बूथ कैप्चर आज हो जाए तो बैलेट तो आप ईवीएम को भी कैप्चर कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें धोखा नहीं करना चाहिए कि बूथ कैप्चरिंग की वजह से ये ईवीएम ईवीएम हो या बैलेट हो, अगर बूथ कैप्चर हो जाएगा तो सारे वोट एक तरफ पड़ जाएंगे। ईवीएम में सुधार हो सकता है, अभी क्योंकि लोगों को आशंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, इस कारणवश हम लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में वापस जाएं। 2013 के बाद से कांग्रेस ने कई बड़ी चुनावी हार देखी है, यहां तक कि पार्टी महज 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। बीजेपी जिस तरीके से जीतती है उससे विपक्षी पार्टियों में ईवीएम को लेकर शक पैदा हुआ है। हालांकि ज्यादातर उपचुनावों के फैसले बीजेपी के खिलाफ गए हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी साजिश नजर आ रही है। बंसल साहब, जो उपचुनाव के नतीजे हैं उसमें बीजेपी लगातार हार रही है, कांग्रेस या दूसरी ऑपोजिशन पार्टी जीत रही है, उसके बावजूद आप लोगों को ईवीएम पे से शक जो है अभी तक गया नहीं है? अगर इस बात से चुनाव से एक साइड कर रख के कर लीजिए, अगर आपके हाथ में ताकत है या मेरे हाथ में ताकत है कुछ हैक करने की, तो ये मेरी मर्जी है, मैं कब हैक करूं कब ना करूं उस पे आप और मैं टिप्पणी दोनों क्या करेंगे। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को चुनाव आयोग खारिज करता रहा है, एक बार उसने खुला चैलेंज भी दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ईवीएम को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। अब कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर तमाम विपक्षी दलों को साथ लेने की बात कर रही है। कांग्रेस ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है, हालांकि इस बदलाव के लिए उसे लंबी जद्दोजहद करनी होगी, लेकिन तब तक कांग्रेसी ही कांग्रेसी को न हराए पार्टी इतना तो सुनिश्चित कर ही सकती है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया।